बुधवार के दिन यदि अष्टमी पर जाए ये तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बुध अष्टमी व्रत की अनकही महिमा ब्रह्मांड पुराण और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। ये दृढ़ विश्वास है कि बुध अष्टमी व्रत का पालन करने वाले को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन उत्साह उमंग और उत्साह के साथ भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करने से पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। बुध अष्टमी व्रत उन लोगों द्वारा भी मनाया जाता है जो बुध ग्रह दोष से पीड़ित होते हैं, क्योंकि इस दिन पूजा उपवास के परिणाम से भविष्य में बुध ग्रह के दुष्परिणाम शांत होते हैं। सूर्योदय 15 मई को सुबह 5:49 तक होगा और सूर्यास्त 15 मई शाम 6:56 तक। अष्टमी तिथि का समय 15 मई सुबह 4:19 से 16 मई सुबह 6:23 तक रहे। बार के दिन यदि अष्टमी पर जाए और तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको एक उपाय करना है कि आपको एक कटोरी भरी हरी मूंग लेनी है, भरकर उसके ऊपर एक गुड़ की डली रखनी है और उसमें 5 बेलपत्र रख लीजिए। और जिस व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारी है, लीवर और किडनी भी डैमेज होने का अंदेशा है, 21 बार उस व्यक्ति के शरीर पर से उतार ले, अपने सीधे हाथ में रखकर अष्टमी के दिन बुधवार के दिन जो कि आ रही है, बहुत समय के बाद ये अष्टमी आई है, गणेश जी के मंदिर में जाओ और वहां पर गणेश जी का राइट हैंड होगा और आपका उल्टा हाथ होगा, उस जगह पे जमीन पे रख दे, यानी कि भूमि पे रख दीजिए। कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही है तो अष्टमी को ये उपाय करने से ठीक हो जाएगी।